इस डिज़ाइन के लिए ये हमने 21 फंदे लिए हैं और ये हमारी पहली सलाई है सीधी साइड। पहला फंदा हम उतार लेंगे। अब ये हमारे 1, 2, 3, ये तीसरे फंदे को हमने इन दोनों फंदों के ऊपर से निकाल देना है ऐसे। फिर हम एक फंदा सीधा बुनाई करेंगे, धागा आगे करेंगे, फिर एक फंदा हम सीधा बुनाई कर देंगे। ये हमारे 3 फंदों के 3 फंदे बन गए और यहाँ बीच में हमारी जाली बन गई। फिर एक फंदा सीधा, फिर से हमने इसको ऐसे ही रिपीट करना है। 1, 2, 3, ये तीसरे वाले फंदे को हमने इन दोनों फंदों के ऊपर से ऐसे निकाल देना है। फिर एक फंदा सीधा, धागा आगे करेंगे, फिर एक फंदा हम ऐसे सीधा बुनाई करेंगे और जाली बना लेंगे। फिर हम एक फंदा सीधा बुनाई करेंगे, फिर से ये तीसरे फंदे को हमने ये दोनों फंदों के ऊपर से निकाल देना है। फिर एक फंदा सीधा, धागा आगे करके एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा हम सीधा बुनाई करेंगे, फिर से 1, 2, 3 ऐसे। फिर ये एक फंदा सीधा, धागा आगे करके एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा हम सिंपल सीधा बुनाई करेंगे, फिर से 1, 2, 3, ये तीसरे फंदे को हमने इन दोनों फंदों के ऊपर से निकाल देना है। एक फंदा सीधा, धागा आगे करके एक फंदा सीधा, आखिर का एक फंदा हम सीधा बुनाई कर देंगे। ये हमारी पहली सलाई कंप्लीट हो गई। अब ये हमारी दूसरी सलाई है उल्टी साइड, ये हमने सारी उल्टी बुनाई करनी है। तो पहला फंदा आप उतार लें और सारी सलाई को उल्टा बुनाई कर दें। ये हमारी अब तीसरी सलाई है सीधी साइड। पहला फंदा हमने उतार लेना है। अब हम 2 फंदे सीधे बुनाई करेंगे, 1 और 2। अब हम यहाँ से इस डिज़ाइन को स्टार्ट करेंगे। तो ये तीसरे फंदे को हमने इन दोनों फंदों के ऊपर से निकाल देना है। एक फंदा सीधा, धागा आगे करेंगे, एक फंदा सीधा, फिर ये जो जाली के ऊपर वाला फंदा ये हम सिंपल सीधा बुनाई करेंगे। फिर हमने ये 1, 2, 3 ये तीसरे फंदे को इन दोनों फंदों के ऊपर से निकालना है, तो इसको ऐसे। फिर एक फंदा हम सीधा बुनाई करेंगे, धागा आगे करके एक फंदा सीधा, फिर ये देखिए जाली आ गई, जाली के ऊपर वाला फंदा हम सीधा सिंपल बुनाई करेंगे, एक फंदा सीधा। फिर 1, 2, 3 ये तीसरे फंदे को हमने इन दोनों फंदों के ऊपर से निकाल देना है। फिर एक फंदा सीधा, धागा आगे करके एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा सिंपल सीधा बुनाई करेंगे। फिर से हमने ये तीसरे फंदे को इन दोनों फंदों के ऊपर से निकाल देना है। एक फंदा सीधा, धागा आगे करके एक फंदा सीधा, आखिर के हमारे ये 3 फंदों को हमने सिंपल सीधा बुनाई कर देना है। ये हमारी तीसरी सलाई कंप्लीट हो गई। अब हम ये उल्टी साइड आ गए, ये हमारी चौथी सलाई है। हमने उल्टी साइड की सारी सलाइयाँ उल्टी ही बुनाई करनी है। पहला फंदा उतार लें और सारी सलाई उल्टी बुनाई कर दें। ये देखिए, ये हमारा 4 सलाइयों का पैटर्न है। अब फिर से जैसे हमने पहली सलाई बनाई थी वैसे बनानी है। पहला फंदा हम उतार लेंगे, 1, 2, 3 ये तीसरे फंदे को हमने 2 फंदों के ऊपर से निकाल देना है।
ऐसे, फिर धागा आगे करके एक फंदा सीधा, फिर ये देखिए जाली, ये वाला फंदा हम सीधा बुनाई करेंगे, फिर से एक दो तीन, ये तीसरे फंदे को हमने इन दोनों फंदों के ऊपर से निकाल देना ऐसे, फिर धागा आगे करके एक फंदा सीधा, फिर ये देखिए जाली वाला आ गया फंदा, ये हमने सीधा सिंपल बुनाई करना है, फिर से एक दो तीन, ये तीसरे फंदे को हमने ऐसे निकाल देना है, और फिर धागा आगे करके एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा हम सीधा बुनाई करेंगे, एक दो तीन, ये तीसरे फंदे को हमने ये दोनों फंदों के ऊपर से ऐसे निकाल देना है, धागा आगे करके एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा सीधा, एक दो तीन ऐसे, आपने इन्हीं चार सलाइयों के पैटर्न को रिपीट करते जाना है और ये खूबसूरत सा पैटर्न बनता जाएगा। ऐसे इस खूबसूरत पैटर्न को आप किसी भी प्रोजेक्ट पर बनाएं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।